कम से कम एक फॉर्मूले को 10 से 15 बार, आवाज नहीं कर वीडियो, 10 से 15 बार तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कि ये मेरे को अब क्लियर हो चुका है। यदि आप करते हैं प्रैक्टिकल नहीं करते सही तरीके से, रिजल्ट तो आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन याद कभी भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कौन करेगा? हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। जो नहीं आता है वो एक दूसरे को पूछ लो, उनको भी नहीं आता है तो मुझे पूछ लो, ठीक है? और मुझे भी नहीं आता है तो मैं किसी और से पूछ लूँगा, ये हकीकत है, आपसे पूछ लूँगा। बस एक दूसरे से सीखते हैं सभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले उनका प्रैक्टिकल सबका वीडियो चाहिए मेरे को, मिल जाएगा, हो जाएगा, पक्का कर लोगे आज? पहले चाहे दो क्यों ना बज जाए, फूट नहीं चाहिए, करते हुए का वीडियो, करते हुए का वीडियो। फोटो तो आप किसी का और भी लेकर दे देते हो, मेरे को क्या पता रहेगी, सही है ना? नाम तो मैं किसी का भी चेंज कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, चेंज भी कर, माना कि कोई फाइल बनी हुई है उसको मैं एडिट कर दूँ, सेम का सेम है, जहाँ नाम थे उसके कोई और नाम है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर दिए और संख्या थोड़ी कम कर दी और बना दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा परफेक्ट वीडियो, पूरा परफेक्ट वीडियो तो ही ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अब दो फॉर्मूले ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा, जैसे कि मैं यहाँ से कोई फॉर्मूला लेता हूँ, माना कि आपके पास अब कौन सा ले, जन्म डेट वाला ले लेते हैं ना, ये आपने लिया नहीं फॉर्मूला, जन्म डेट काउंट करना कि आपकी एज कितनी है, कितने साल के हो चुके, कहीं आपको ये संख्या लिखी हुई, जैसे कि आपको यहाँ पर किसी ने लिख कर दे दिया कि आपका डेट है 7/8/1998, ऐसा लिख के दे दिया, और ऐसी ऐसी कम से कम बहुत सारी सीटें, ऐसी ऐसी सीटें बहुत सारी है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना, सबसे पहले इसके अंदर आपको पूछा गया है कि इसके अंदर अब साल कितने और वो आप मेरे को बताओ, काउंट करके बताओ, तो आप गिनती करोगे 98 99 हो, गिनती करो ला 25 साल 22 23 और 24, ऐसे गिनती करोगे, लेकिन एक का तो गिनती कर दिया, अब हजारों की संख्या दे दी, या तो अब माना कि डेट यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 12, ये लिख दिया, लिख दे, चलो दो चार पाँच, अब किसी में पाँच के भी दो, आप गए 5/2/5, आप गए श्रवण 12/9/2004, सकदा तेरे 10/7/2006, क्या बात कर रहा है कांति, 23/11 लिखा सही जा रहा है, 23/11/2003, उसके बाद 1/10/2003, 5/3/5, 10/7/2005, 2/2/2005, 14/10/2000, 0 आ गया, एक और 0 हटाओ, ये 2000 हो गया, चलो भाई हटा दिया। उसके बाद 15/10/2006 और 5/2/2007, ये होगी हमारी जन्म डेट यहाँ तक, ठीक है? अब यहाँ पर हमने गलती कर दी, ये लिख देते 95, ठीक है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका साल निकालो, अब साल निकालें, अब माना कि एक तो होता तो हम गिनती करके भी निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सब मानो कि 5000 लोग है, उसको क्या करना है, यहाँ पर उसकी काउंटिंग करनी, कितने साल का बंदा हुआ। अब एक तो आपके पास कैलकुलेटर रहता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, एक एक व्यक्ति का। अब यहाँ पर माना कि संख्या 15 है,
अब 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट की एक साथ आपको जन्म साल निकालना, तो हम कैसे, जन्म डेट तो लिखी हुई है लेकिन साल निकालना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करते हैं, इक्वल, इक्वल लिखने के बाद डेट आपको निकालनी है, डेट लिख दो DATDIF, इसका फॉर्मूला रहता है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या लिखा हुआ, गलत लिख दिया, TEDIF, उसके बाद कोष्टक। अब यहाँ पूछा गया है कि किसका निकालना, अब किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, पक्का, उसके बाद कॉमा, टुडे, आज का, उसके बाद डबल कोष्टक, कॉमा, डबल कॉमा और इयर्स। अच्छा डबल कॉमा हो गया कॉमा, डबल कॉमा और इयर्स, इयर्स को हमेशा किस में दर्शाते हैं, वाई में, उसके बाद डबल कॉमा और कोष्टक, दिखाई दे रहा है। कभी भी फॉर्मूले के अंदर स्पेस मत देना, स्पेस दोगे तो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं एंटर करूंगा, आपको यहाँ पर लिखी हुआ है कितना साल का बंदा है, आ रहा है कंप्लीट रूप से, यानी कि इस फॉर्मूले से हम किसी का भी ईयर निकाल सकते हैं, किसी का भी ईयर निकाल सकते हैं, है? तो गलत आएगा इसमें क्या, हाँ वो तो गलत आएगा ना, डेट आपको सही होनी चाहिए, याद देखो सही डेट है यहाँ तो सही आएगा, टुडे मतलब आज, जो यहाँ पर डेट लिखी हुई होगी उसके अनुसार यहाँ आ जाएगा, आए समझ में, नहीं तो आपने तो सिर्फ सन और डेट और तारीख लिखा है, आज का तो लिखा नहीं कुछ भी, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर हम लिखते हैं तो वो करंट डेट भी लिखते हैं और जन्म डेट भी लिखते हैं, तब जाके उसका रिजल्ट आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी जन्म डेट है, जन्म डेट से हम सन निकाल रहे कि कितने साल का बंदा हुआ है। अब ये करने के बाद आप जैसे ही इसके पे जाएंगे और डबल क्लिक करना है यहाँ पर, तो जहाँ तक होगा वो अपने आप आ जाएगा। अब गड़बड़ कहाँ हो रहा है, वैल्यू, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पेस लग गया, अगर गलत होगा तो ऑटोमेटिक आएगा वैल्यू, मतलब एरर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरर, दिखाई दे रहा है एरर वैल्यू, किस 17 साल ही मारी है सर, 4-5-2005 डॉक्यूमेंट में हुआ है, कौन सी है तेरी, 4-5-2005, हाँ नीचे किसकी थी, वो भी मेरी है, 20-7-2003 तेरी है, रिजेक्टेड, एक्सपायर होगी डेट में ना, यानी कि कोई भी बीच में स्पेस आ जाएगा या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको वैल्यू वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अगर आपकी जो संख्या है वो एकदम एक्यूरेट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि आपके इसके अंदर कोई डेट की प्रॉब्लम है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर गड़बड़ बताएगा। यहाँ फॉर्मूला दोबारा, यहाँ पर जाओ इक्वल, अब DATDIF, ये फॉर्मूला ऑलरेडी इसके एक्सेल के अंदर रहता। अब आएगा कोष्टक, अब आपको जन्म, आपको साल कौन से का निकालना, किसका निकालना, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, इसको। अब आएगा कॉमा, उसके बाद टुडे, उसके बाद कॉमा कहाँ से आएगा, अरे कोष्टक नंबर, डबल कोष्टक, अब कॉमा, उसके बाद डबल कॉमा, अब वाई क्यों आया, यस डबल कॉमा हो गया सर, मतलब साल और मंथ दोनों निकालने होंगे, दोनों साथ में पढ़ लेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे, कैसी बात कर रहे हैं यार, एक दो दो फॉर्मूले लेने हमेशा, एक हमने ये ले लिया एक और ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, 24, यानी कि आप जो भी डेट निकालते हो वो यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आप इस प्रकार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया सभी का कंप्लीट, लिख दिया, अगला फॉर्मूला लें, अगला फॉर्मूला काउंट का तो हो गया ना, और क्या चाहिए, नहीं नहीं ले, दो दो फॉर्मूला हमेशा लेंगे, दूसरा कौन सा ले, हाँ रैंक वाला, और वो कौन सी रैंक। अब माना कि मेरे पास संख्या है बहुत सारी, कितनी सारी, बहुत सारी, बहुत सारी का मतलब घनी हारी, यहाँ पर लिख देते एक दो, कहाँ जा रहा है, है? वो देख लिया ना दूसरा, चलो भाई यहाँ से मेरे पास ये संख्या है
ये मेरे पास संख्या है, इसके अंदर मेरे को क्या करना, आपने देखा होगा कहीं पर लिखा हुआ होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ था, उसके ऊपर एसटी लिखा हुआ होता है, किसी के सेकंड लिखा हुआ होता है, सबके अलग अलग मिला नहीं,